कानून व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती, कैसे कानून को ताक पर रखा जाता है, इसकी जीती जागती तस्वीर है। पश्चिम बंगाल में एक दफा ऐसा लगा कि मानो सब कुछ ठीक हो गया, शांति वापस लौट रही है। लेकिन उत्तर 24 परगना में जो कुछ हुआ उसने इन सब दावों को झुठला दिया। एक बार फिर से बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है। बंगाल में जारी हिंसा की ये सबसे ताजा तस्वीर है। उत्तर 24 परगना के इस इलाके में कानून व्यवस्था की एक बार फिर धज्जियां उड़ाई गई, वो भी खुलेआम। उत्तर 24 परगना में खुलेआम सड़क पर धमाके किए गए, सरेआम बम फेंके गए, मानो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही न हो, कानून का सरेआम मजाक बनाया गया। इस बार भी हिंसा के पीछे वजह दो गुटों की आपसी झड़प। भाटपारा पुलिस थाने के तहत आने वाले इस इलाके में दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वजह तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन हालात कितने खतरनाक हैं ये जरूर साफ है। इस बार भी खूनी संघर्ष में एक 17 साल के युवक की मौत हो गई। बेकाबू हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स ने अब इलाके में मोर्चा संभाल लिया है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें जारी है। उत्तरी 24 परगना के जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ है वहां से बीजेपी के अर्जुन सिंह इस बार सांसद बने। अर्जुन सिंह टीएमसी की विधायकी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और लोकसभा का चुनाव भी जीता, लेकिन उनकी ये जीत से बीजेपी टीएमसी की जंग और तीखी हो गई। मतलब ये कि चुनाव के दौरान जिस बवाल की शुरुआत हुई थी अब तक जारी है और शायद ये वर्चस्व की लड़ाई बन गई है।